हेलो। तो जैसा कि आज 5 फरवरी है, वैसे तो हमारा एनिवर्सरी मंथ भी है, इसी महीने में हमारी एनिवर्सरी भी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, आज हमारे यहाँ एक नया प्रतिष्ठान का उद्घाटन होने वाला है। बोले तो बर्तन की दुकान है वो, उसका आज हमारे यहाँ उद्घाटन है। मतलब नया बिजनेस स्टार्ट किया है बर्तन का, तो आज उसका शुभ मुहूर्त निकला हुआ है। जैसे कि आज आपको पता ही होगा, आज रवि पुख है, पुख नक्षत्र है, और आज ही का उसका क्या बोलते हैं मुहूर्त निकला हुआ था। तो आज हमारी दुकान की ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी 10:30 बज गए हैं और बस हम जाते हैं। कथा वगैरह भी होगी और देखते हैं, जैसा जो भी होगा फिर आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। परिवार कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आज हमारे बर्तन की दुकान की ओपनिंग है। बस बड़ों का आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद, 33 करोड़ देवता के आशीर्वाद से आज हम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अभी मतलब तैयारी चल रही है, ये बर्तन वगैरह बाहर लग गए हैं। ऐसी शॉप खुलेगी रोज़, और ये सारे यहाँ पे बर्तन लगे हुए हैं बहुत दिनों से। मतलब 10 दिन से लगातार कंटिन्यू सभी लोग लगे हुए थे, रात रात में भी, दिन में। जब 10 दिन में ये सब कंप्लीट कर पाया है, 10 दिन नहीं 8 ही दिन मान लीजिए, अंदर का हॉल भी पूरा भरा पड़ा है, ऊपर का हॉल भी, मैं भी बर्तन रखे हुए हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, मतलब रात में भी, दिन में भी। पंडित जी भी आ गए हैं, यहाँ पे कथा की भी तैयारी होनी है, और जो यहाँ उद्घाटन है इसका भी, उसकी भी पंडित जी पूजा करेंगे। तो बस अभी ये सब चल रहा है, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बस मतलब ये सब हो जाए, पहले पूजा हो जाए, उसके बाद ही होगा, तो देखते हैं। तो पहले आप मेरी पुरानी क्लिप देख लीजिए, जब हम लोग बर्तन लेने गए थे, तो मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ। पहले आप वो वाली क्लिप देखिए इसी वीडियो में। तो अभी हम ग्वालियर में ही हैं, हम बर्तन की शॉपिंग करने आए थे। एक्चुअली में हम दुकान खोलने वाले हैं, मतलब 5 तारीख को है शायद, आई थिंक 5 का ही है। तो हम लोग सुबह से आए हैं, दिन भर हो गया शॉपिंग करते करते, सॉरी सामान लेते लेते, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मतलब अब तो लिखा दिया, अब तो आ जाएगा ट्रांसपोर्ट से, कुछ झांसी से आ जाएगा। तो हमारी बर्तन की न्यू ओपनिंग है। तो मैं, जिया जी, मेरा भैया और ये और देवर, हम पांचों जन आए हुए थे गाड़ी में। मतलब तीनों भाई, ये चौथा मेरा भाई, पांचवी मैं। तो हम लोगों ने सब सामान तो ले लिया है, जितना जो कुछ होता है, कुछ हमको पता रहता है, कुछ दुकानदार बता देते हैं, कुछ हमारे एरिया में क्या चलता है वो सब लेके। तो जैसे तैसे हमारा हो गया है, मतलब जो सोच के आए थे हो गया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। 10 तो बज गए हैं, बट मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने बोला था वीडियो बना लो, कोई परेशानी हो कोई चीज़ के लिए, मतलब रेट वगैरह के लिए। तो फिर एक्चुअल में क्या है, मैं लिख रही थी ना रिम्बो तौल वगैरह, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बाकी जब मेरी दुकान खुलेगी तो मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगी, तो आपको इसमें डालूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखना। और हमारी दिनारा में ओपनिंग हो रही है, तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊँगी, आप मेरे साथ बने रहना। अभी तो हम ग्वालियर में भी हम खाना खाएँगे, मतलब ग्वालियर में हमको रात में 12 बज जाएंगे। अभी तो गाड़ी में हॉर्न लग रहा है, देखना बता दें, देखो अभी तो गाड़ी में हॉर्न लग रहा है, ये भैया है। गाड़ी में हॉर्न लगने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे घर पे। तो आप मेरे साथ बने रहना और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो देख लिया आपने, मैंने उस दिन भी ये वीडियो बनाई हुई थी, बट ना मैंने ये वाली क्लिप ही ले ली थी, और मैंने बाकी शूट नहीं किया था। एक्चुअली में बर्तन की दुकान खोलने का मन बहुत टाइम से था, मतलब पापा के सामने ही मन था कि एक बर्तन की दुकान और खोलनी चाहिए। एक्चुअल में मेन रोड पे बर्तन की दुकान नहीं है, अंदर है बाज़ार में, तो इसलिए खोलने का मन भी था। और भगवान की कृपा से अभी हमारी मतलब ओपनिंग आज है, और इसके 3 दिन पहले से ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अच्छा लगा। यहाँ पर एक पूजा हो रही है, मतलब बस अब होने वाली है पूजा भी, और कथा भी हो गई है, और बस अब लास्ट में हवन ही होता है।
बन रहा है अशू मन हाँ बना रहा है आराम से चलो यहाँ पे एक अठवाई चढ़ा दो अठवाई दस लाख में रख लो तो जैसे कि बुआ आ चुकी हैं, मतलब चार के टाइम हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। मैंने दिन में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया, एक्चुअल में भीड़ भाड़ थी ना, तो मज़ा भी नहीं आता उस हिसाब से। तो बस बुआ आ गई है, बुआ का स्वागत है। और क्या भी मिल रहे दादी आ गए तो बस मैंने इतना ही शूट कर पाया, क्योंकि शूट का टाइम ही नहीं मिला और फिर अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा बाहर, इस वजह से। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने मतलब मज़ा नहीं आ रहा था मुझे शूट करने का, तो मैंने नहीं किया। बुआ तो घर की है तो इसलिए मैंने कर लिया है। तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है, आप मेरे से मिल सकते हो। तो बस बाय बाय। और फूफा जी भी गाड़ी लगाते, फूफा जी भी आ चुके हैं, बैठ गए हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।